बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आपसे नेक डिज़ाइन शेयर करने जा रही हूँ। व्यूअर्स, ये नेक डिज़ाइन हम बिगनर्स के लिए बना रहे हैं, क्योंकि हमने इसके साथ पाइपिंग लगानी है और पाइपिंग के साथ हमने लैस भी अटैच करनी है, और ये हम बहुत ईजी तरीके से आपको बनाना सिखाएंगे, तो आपने वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना। तो चले व्यूअर्स, वीडियो शुरू करते हैं। ये 6 इंच हमने नेक की लंबाई रखी है, इस पर हम मार्क लगा लेंगे 6 इंच पर। व्यूअर्स, ये स्लिट की लंबाई हमने रखनी है 7.5 इंच, 7.5 इंच पर हमने मार्क लगा लेना है। व्यूअर्स, नेक की चौड़ाई हमने 3 इंच रखी है, 3 इंच पर हमने मार्किंग कर लेनी है। व्यूअर्स, अब नेक को हमने ये वी शेप दे लेनी है। ये देखिए, इस तरह हमने वी शेप में इसका मार्किंग कर लेनी है, और इधर तक हमने ये स्लिट बनाना है। पी शेप में हमने ये हल्की सी गुलाई दे लेनी है, ये देखें। अब हमने ये नेक की कटिंग कर लेंगे मार्किंग के ऊपर। ये अब हमने स्लिट की कटिंग करनी है। व्यूअर, ये नेक हम बहुत आसानी से बनाएंगे, और ये बिगनर्स के लिए बहुत आसान है कि हम पाइपिंग के साथ लैस लगाएंगे, और लैस भी हमने अंदर की साइड में लगानी है। और व्यूअर्स, आपने वीडियो को पूरा वॉच करना है, ताकि ये डिज़ाइन आपको अच्छे से समझ आ जाए। व्यूअर्स, अब हमने ये जो नेक कट किया है, इसका हमने ये अंदर से स्लिट कट करना है। ये देखिए, इस तरह ये हमने हल्की सी कटिंग करनी है मार्किंग तक। ये देखें, हमने ये स्लिट कट कर लिया है। अब हम इसको कपड़े पर पेस्ट करेंगे। व्यूअर्स, नेक को हमने शर्ट पर पेस्ट कर लिया है। अब हमने इसका अंदर का कपड़ा कट कर लेना है। ये सिर्फ हमने थोड़ा थोड़ा कपड़ा साथ रख रहा है, बाकी सारा हमने कट कर देना, और स्लिट भी हमने अंदर से कट कर देना है। व्यूअर्स, अब हमने ये नेक पर पाइपिंग लगानी है। ये देखें, पाइपिंग का कपड़ा हमने शर्ट की सीधी साइड पर रखा है, और उल्टी साइड पर हम ये बुकरम के ऊपर सिलाई लगा रहे हैं। ये सिलाई हमने बुकरम पर ज़्यादा नहीं लगानी, कम बुकरम पर लगानी है, ताकि पाइपिंग भी बारीक लगे। ये देखें, ये लैस वाली हमारे पास पाइपिंग थी, वो लैस हमने इसमें से उधेड़ ली है, और ये जो पाइपिंग वाला कपड़ा था, उसकी हम ये पाइपिंग लगा रहे हैं, और लैस का इस्तेमाल भी हम आगे जाके करते हैं नेक पर। ये देखें व्यूअर्स, ये हमने फालतू कपड़ा पाइपिंग का कट कर लिया है। जिधर तक हमने मार्किंग की थी, कटिंग की थी, उधर तक हमने ये पाइपिंग का कपड़ा लगाना है। ये देखें, इधर से हमने ये पक्का करके निकाल लेना है, दूसरी साइड पर हमने दोबारा से शुरू करनी है पाइपिंग। ये देखें व्यूअर्स, दूसरी साइड पर भी हम इसी तरह ये पाइपिंग लगा रहे हैं। हमने नीचे से कपड़ा फोल्ड कर लिया, और ये हम सिलाई लगा रहे हैं। ये देखें, इसी तरह हमने ये सारी सिलाई लगा लेनी है पाइपिंग की, और ये बुकरम पर हमने बराबर सिलाई लगानी है, कहीं से मोटी और कहीं से कम नहीं लगानी। बराबर सिलाई लगाएंगे तो पाइपिंग भी बारीक लगेगी बराबर साइज में। ये देखें व्यूअर्स, अब हमने इसकी पाइपिंग बनानी है। ये हमने उल्टी साइड पर कपड़े को फोल्ड कर लिए, और ये हमने हाथों की मदद से कपड़े को अच्छी तरह प्रेस कर लेना है, और ये पाइपिंग के साथ साथ हमने ये सिलाई लगानी है। ये देखें व्यूअर्स, कितने फिनिशिंग के साथ और बारीक पाइपिंग हमारी लग रही है, और ये देखें कितनी खूबसूरत लग रही है पाइपिंग। व्यूअर्स, ये जो बिगनर्स हैं, नए नए सिलाई सीख रहे हैं, उनके लिए ये बहुत आसान है नेक बनाना। और अभी हमने इसके साथ लैस भी लगानी है, वो हम पहले पाइपिंग लगा लें, फिर हम आपको बताएंगे कि हमने लैस कैसे लगानी है। व्यूअर्स, आप चाहें तो इस नेक को दूसरे कपड़े पर लगाकर फिर भी आप शर्ट पर लगा सकते हैं। मैं क्योंकि बिगनर्स के लिए बना रही हूँ, तो मैं इसको इजी तरीके से बनाना सिखा रही हूँ, कि आप जल्दी और आसानी से किस तरह पाइपिंग लगा सकते हैं और साथ लैस भी लगा सकते हैं। ये देखें व्यूअर्स, पाइपिंग हमने लगा ली है। ये देखें कितनी फिनिशिंग के साथ और बारीक पाइपिंग हमने लगाई है। व्यूअर्स, अब हमने ये नेक के साथ लैस लगानी है। ये देखें, लैस का हमने ये जो जिगजैग है कटवर्क, यही हमने बाहर की तरफ रखना है, बाकी लैस हमने इसके अंदर दे देनी है नेक के। ये देखें,
व्यूअर्स, ये एक साइड पर हमने सिर्फ वी शेप तक लैस अटैच करनी है। ये देखें, इधर तक हमने ये लैस लगा कर नीचे से कट कर लेना है। अब हम दूसरी साइड पर लैस लगाएंगे। दूसरी साइड पर हम स्लिट से शुरू कर रहे हैं लैस को, और पहली साइड पे हमने वी शेप तक लैस लगाई है। ये देखिए इस तरह। अब हमने ये नेक पर भी लैस लगा लेनी है साथ। व्यूअर्स, ये जो हमारे पास बड़ी लैस का पीस था, इसमें से ये हमने फ्लावर कट कर लिए। ये देखिए इस तरह हमने ये फ्लावर कट कर लेने हैं जितने हमने लगाने हैं। और साथ हमने ये डोरी लूप्स निकाले हुए, इसके साथ हमने ये गले की डिज़ाइनिंग करनी है। ये देखिए ये लैस हमने लगा ली है, गले को प्रेस भी कर लिया। अब हम आगे की डिज़ाइनिंग आपको बताते हैं। ये हम ग्लू से इसको ये चिपका रहे हैं इधर। ये देखें, ये जिस साइड पर हमने लैस अटैच नहीं की उस साइड पर हमने ये लैस के पीसीस अटैच करने हैं ग्लू की मदद से। चाहे आप फैब्रिक ग्लू लगा रहे हैं या गम स्टिक लगा रहे हैं, दोनों में से कोई भी आप लगा सकते हैं। व्यूअर्स, ढाई इंच के हमने लूप्स कट किए। ये देखिए इस पर भी हमने ये ग्लू लगा के इस तरह लगा रहे हैं इसको। और फिर ये बिगनर्स के लिए बहुत आसान है कि वो आसानी से सिलाई लगा लेंगे, ये पहले से हम चिपका लेंगे तो। व्यूअर्स, ये कपड़ा थोड़ा बारीक है, मैं सिर्फ़ आपको ये नेक डिज़ाइन सिखाने के लिए इस कपड़े पर बना रही हूँ। अगर आप किसी और कपड़े पर बनाएंगे, लॉन लिनन वगैरह पर, तो और भी ये ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। ये देखिए व्यूअर्स, इसी मेथड से हमने ये सारे फ्लावर्स भी लगा लेने हैं और लूप्स भी लगा लेने हैं। व्यूअर्स, तमाम मुसलमान बहनों भाइयों को रमज़ान और ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला हमारे रमज़ान में जो भी हमने थोड़ी बहुत ही बातें की हैं, अल्लाह ताला कबूल मंजूर फरमाए, और हमारी तमाम मुश्किलें परेशानियां दूर करें, और हमारी मगफरत फरमाए, और अल्लाह ताला फ़लस्तीन को आज़ादी दिलवाए, उनकी मुश्किलें और परेशानियाँ दूर करें, और उनकी रिज़्क़ की तंगी को दूर करें, और तमाम इस्लामी मुल्कों को हिदायत दे कि वो फ़लस्तीन के लिए आगे आएँ, और उनको भी दुआओं में याद रखें, अल्लाह ताला उन पर रहम करें। आमीन, अल्लाह आमीन। व्यूअर्स, अब हम इसके नीचे आपको कपड़ा लगाकर दिखाते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, अब हमने ये नेक के नीचे कपड़ा लगा रहे हैं। पहले हमने ये लूप वाली साइड पर हमने ये सिलाई लगानी है। ये देखें, ये सिलाई हमने लूप्स और लैस पर लगानी है, जो लैस के हमने फ्लावर कट करके लगाया है। ये देखें, क्योंकि दूसरी सिलाई हमने लैस इसके ऊपर कर देनी है, तो ये वाली सिलाई नज़र नहीं आएगी। इस तरह हमने इधर से मोड़ लेना मशीन को, और ये देखें इस तरह करके हमने ये सिलाई लगा लेनी है, और वो जो लूप पे और हमने ये लैस पर सिलाई लगाई है वो अंदर चली जाएगी सिलाई। ये देखिए व्यूअर्स, ये नेक के अंदर हमने कपड़ा भी लगा लिया है, और ये देखिए नेक को हमने बंद कर दिया। अब हम इसको कट करेंगे धागे को। देखिए व्यूअर्स, नेक हमने तैयार कर ली है, अब हम इसमें पल्द लगाएंगे। ये देखिए व्यूअर्स, अब हमने ये तुरपाई कर लेनी है इसकी। हम आपको तुरपाई करके दिखाते हैं, और साथ हमने पल्द भी लगाने हैं। ये देखिए व्यूअर्स, हमने लूप्स में भी पल्द लगाए हैं, और फ्लावर पे भी हमने पल्द लगाए हैं। ये जो हमने लैस का फ्लावर है, इसकी हमने एक पत्ती छोड़कर दूसरी पत्ती में ये हमने छोटा पल्द लगाया है, और लूप्स में हमने ये बड़ा पल्द लगाया है। ये देखिए इस तरह। ये फ्लावर की कुल 7 पत्तियाँ थी, जिसमें से 4 में हमने पल्द लगाए हैं और 3 छोड़ दिए। ये देखिए इसी तरह हमने ये सारे लगा लेने हैं। ये देखिए व्यूअर्स, नेक को तुरपाई हमने कर ली है, और ये देखिए नेक हमने तैयार कर ली है। ये देखिए व्यूअर्स, ये 20 रुपए वाली पाइपिंग से हमने ये पाइपिंग भी लगा ली है, और साथ हमने ये लैस भी लगा ली है, और बचे हुए लैस के पीस से ये देखिए हमने ये नेक पर डिज़ाइनिंग कर ली है, और लूप्स भी लगा लिए। उम्मीद है व्यूअर्स आपको ये डिज़ाइन पसंद आएगा। व्यूअर्स, अगर आप किसी और कपड़े पर बनाएंगी तो इससे भी ज़्यादा अच्छी लुक आएगी। ये देखिए व्यूअर्स, नेक कितना फिनिशिंग के साथ रेडी हुआ, और ये माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है। ओके व्यूअर्स, अपना और सबका ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।